क्या हाल है मेरे दोस्त, जाने दो यार जिसको जाना है। कब तक गिड़गिड़ाओगे, कब तक आंसू बहाओगे, कब तक खुद को लो फील कराओगे, कब तक डिप्रेशन में रहोगे, कब तक दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देते रहोगे। वो तुमको छोड़ के जाना चाहता है, वो तुमसे दूर जाना चाहता है और तुम उसको बांध के रखना चाहते हो। जाने दो यार, जब उसने मन बना लिया है, जब उसने सोच लिया है कि तुम्हें छोड़ना है तो जाने दो। रोक के क्या फाड़ लोगे, क्या पहले जैसा रिलेशनशिप चला सकोगे, क्या पहले वाली फीलिंग्स आ सकेगी जैसे पहले रिलेशनशिप चलता था, क्या अब वैसा रिलेशनशिप चल सकेगा। सोच के देखो यार, किसी को बांध लेने से, किसी को जबरदस्ती से मना लेने से रिलेशनशिप नहीं चलते मेरे दोस्त। तुम सौ बार रो लो, 100 बार गिड़गिड़ा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज उसको फर्क पड़ता तो तुम्हारे आंखों में आंसू तक आने ना देता। उसने आंखों में आंसू आने दिए, उसने तुमको रुलाया, उसने तुमको तड़पाया, यानी कि तुम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करते तो ये हाल ना करते, समझ रहे हो ना। उसके लिए तुम्हारी जिंदा रहने की ना रहने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तुम जियो मरो कुछ भी करो, जब उसने सोच लिया है जाना है तो वो जाएगा। रोक के तुम सिर्फ एक रिलेशनशिप तो बना लोगे, लेकिन वो प्यार नहीं बना सकोगे। इन फ्यूचर दोबारा वो ऐसे करेगा, क्योंकि उसने सोच लिया है। जिस चिड़िया ने सोच लिया है कि मुझे आज़ाद होना है, उसको पिंजरे में कब तक बांध के रखोगे। एक ना एक दिन तो आज़ाद होगी ना, क्योंकि उसके माइंडसेट में चीज़ आ चुकी है कि इससे बेटर मुझे मिल चुका है। जब उसके दिमाग में आ गया है कि मुझे छोड़ के जाना है तो जाने दो, पहली फुर्सत में निकल जा, कोई बात नहीं। अपनी लाइफ को मत बर्बाद करो एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। तुम उसकी वजह से खुद को डिप्रेशन में ले आते हो कि मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे अंदर कोई गलत काम था, मैं कुछ बेकार था, मेरे अंदर कोई वैल्यू नहीं थी जो सामने वाला छोड़ के जा रहा है। नहीं, तुम बेस्ट थे, तुमने हर चीज़ करी, तुमने अपना 101% दिया, लेकिन वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। वो 100% के लायक ही नहीं था, वो हीरे के लायक ही नहीं था, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। इस चीज़ को समझो ना, तुम बेस्ट हो, इस चीज़ को समझो। हमेशा इंसान वही चीज़ छोड़ता है जो उसके औकात से बाहर होती है, और तुम उसके औकात से बाहर थे मेरे दोस्त। उसके औकात में होते तो तुम्हें छोड़ के ना जाता वो, तुम उसके औकात से बाहर थे इसलिए वो छोड़ के जा रहा है। तुम उसके लिए कैसे समझाऊं यार, पागल हो गया हूँ यार मैं, मतलब परेशान हो गया हूँ। इतना गंदा माइंडसेट हो चुका है ना आजकल के रिलेशनशिप में, मतलब अपनी लाइफ को बर्बाद करे जा रहे हैं, बर्बाद करे जा रहे हैं, तबाह करे जा रहे हैं दूसरे इंसान के लिए, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ किसकी बर्बाद हो रही है, तुम्हारी। करियर किसका बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा। गोल किसके बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारे। माँ बाप किसके परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे। वो तो अभी भी हंस खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बॉयफ्रेंड बना रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, तुम रोए जा रहे हो। व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाए जा रहे हो, इंस्टा पे रोए जा रहे हो, दोस्तों के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बस इसी तरह से लाइफ बर्बाद कर रहे हो। करो भाई, करो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उसे क्या, दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम लाइफ बर्बाद करोगे अगर। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को छोड़ के किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम नहीं समझोगे ना ये बात। तुम क्यों समझोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे और आँख पे ना प्यार का भूत सवार है। और जब ये बात समझ जाएगी ना, जब ये प्यार का भूत उतर जाएगा, तब समझ आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन तब पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अभी भी मौका है, संभाल लो अपने आप को, बना लो अपनी लाइफ। वापस नहीं आने वाले ये पल, वापस नहीं आएगा ये साल, कुछ नहीं आने वाला वापस। अभी भी मौका है, दूसरे के चक्कर में अपने आप को दोष मत दो। जो चला गया ठीक है, चला गया, जो आए तो वेलकम, जो जाए तो भीड़ कम। इस बात को समझो। मिलता हूँ अगली वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।